हमारे पास कई प्रतिक्रिया आ रही है। यहाँ पर अक्षय कुमार हैदराबाद से एसएमएस कर रहे हैं कि सत्य साई बाबा के चमत्कारों के खिलाफ बात करने वाले टीवी चैनल अब कहाँ है। एक और कॉलर को मौका देते हैं। हेलो हेलो, हेलो। आपके पीछे बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। हाँ, मैं बाजार में हूँ जी, बाजार से ही बात कर रहा हूँ। ओए बंद कर दे इसको, एक मिनट बात। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, मैं ऐसा है कि ये इसके लिए बोल रहे हैं नहीं, धर्मगुरु के लिए। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये भारत को इंग्लैंड या किसी तंत्र बनाना चाहते हैं। भारतीय गुरुओं की कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है। ये पादरियों की, ये पादरियों को पिछले दरवाजे लाना चाहते हैं। यहाँ की अध्यक्ष जो है कांग्रेस की, वो क्रिश्चियन है। ये काले अंग्रेज हैं, ये अंग्रेजों वाली बात करना चाहते हैं। ये क्या जाने साईं बाबा को, क्या जाने गुरु नानक को, क्या जाने गुरु अर्जन देव को, उन जिन्होंने शहीदी दी, जिन्होंने चमत्कार किए, जिन्होंने दुनिया को राह दिखाई। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं पश्चिम बिहार दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। धन्यवाद। काफी शोर गोल के बीच हमारे कॉलर ने कॉल किया है, बाजार से बोल रहे हैं। उन्होंने कहा अपने दुकान पर टीवी लगाकर लोगों को बुलाकर लोग सुदर्शन के बिंदास बोल को दिखाते हैं। कई जगह पर एलसीडी प्रोजेक्टर लगा के लोग एक साथ आकर बिंदास बोल देखते हैं। ऐसे सब लोगों के हम आभारी है कि राष्ट्र चिंतन के लिए समय निकाल पर आप ऐसे विषय देखते हैं। एक और कॉलर, नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। सर, जब बाबा ने, जब जीवित थे बाबा ने, तो हजारों लोग जाके वहाँ पर बाबा के आशीर्वाद से बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े क्रिकेट, बहुत सारे आशीर्वाद से लिए हैं। लेकिन आज जब बाबा की आज समाधि ले रहे हैं, तो आज कोई उनकी राष्ट्रीय दिवस या कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ पॉलिटिकल चमकाने के लिए ही करते हैं ये लोग, बिल्कुल कुछ के लिए ये लोग करते हैं सर। बिल्कुल, ये निर्णय करने वाले तो वहां श्रद्धांजलि देने गए थे, लेकिन यहाँ पर बैठकर राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय नहीं कर पाए। क्या इस पे किसी का दबाव था? क्या ये भूल गए? क्या ये चूक है? चूक है तो कबूल क्यों नहीं की? ऐसे कई सवाल है, इन सवालों के जवाब देने चाहिए, ऐसा आप मानते हैं? हाँ सर, वो ये सब गलत चीज है। अगर आप अगर सकते हैं तो उनके लिए भी कुछ करना पड़ता है सर। बिल्कुल, धन्यवाद। उड़ीसा से संजीव कुमार अपनी बात को रख रहे थे। एक और अगले कॉलर को भी मौका देते हैं। साथ में काफी आज और भी एसएमएस एमएमएस यहाँ पर आए। एक और एसएमएस यहाँ पर आया है, एसएमएस आया है नोएडा से। एसएस पांडे कहते हैं कि टीवी चैनलों पर बाबा के चमत्कार का विरोध कर जादूगरों द्वारा, जो जादूगर है उनके द्वारा बाबा के चमत्कार जिन्होंने करके दिखाए, वो अब ये दिखाए कि बाबा ने समाज के लिए जो किया वो जादूगर करते हैं क्या। बिल्कुल बड़ा सवाल है। बाबा ने जो चमत्कार किए उस पर हो सकता है किसी की आपत्ति हो, लेकिन क्या सत्य साई बाबा ने आम आदमी के लिए जो काम किया वो दूसरा पहलू समाज के सामने टीवी चैनलों ने क्यों नहीं लाया? क्या केवल चमत्कार किसी जादूगर के द्वारा करवा कर दिखाने वाले ये बता पाएंगे कि बाबा ने जैसे हजारों हॉस्पिटल खड़े किए और उनमें लाखों लोगों की ओपन हार्ट सर्जरी से लेकर ब्रेन के सर्जरी तक बड़े बड़े ऑपरेशन मुफ्त में होते हैं, जादूगर कर पाएंगे? तो जो साई बाबा करते हैं वो ये जादूगर करता है ऐसा कहने वाले टीवी चैनल क्या समाज की और साई भक्तों की माफी मांगेंगे? ये भी दोषी है। ऐसे संत शक्ति को ना पहचानने वाले लोगों ने ही सत्य साई बाबा की महत्ता को भारत में लोगों तक नहीं पहुंचने दिया। इसके बीच अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी माना जाता है, क्योंकि सत्य साई बाबा ने अपने क्षेत्र में इतना सामाजिक काम किया था कि समाज सेवा के नाम पर वहां पर कुछ कर अपना हित साधने वाले धर्मों और समाज सेवी संस्थाओं को वहां पर कोई जगह नहीं थी। उन्होंने इनको बदनाम करने की पूरी कोशिश की और उसी का यह परिणाम रहा। हालांकि सूरज के सामने आप कुछ भी खड़ा करें वो उगेगा और उगने के बाद अपना प्रकाश देगा, यह साबित हुआ उनके जाने के बाद। सरकार के तमाम सबसे बड़े नेता भी वहां गए, लेकिन फिर भी सरकार ने राष्ट्रीय शोक क्यों नहीं घोषित किया, यह बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ जी, बोलिए। मैं गीता रानी टावर से बोल रही हूँ। मेरा बोलना ये है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी जी बाबा को श्रद्धांजलि देने क्यों गए थे, जब वो एक दिन का राष्ट्रीय शोक नहीं मना सकते थे तो? आप क्या मानती हैं, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोग क्रिश्चियंस को खुश करना चाहते हैं।
देश की राजनीति को इन लोगों ने वोट बैंक बनाया हुआ है। भगवान के पास जाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, इन लोगों ने राजनीतिक वोट माना हुआ है, मतलब राजनीति वोट मान के ये सब कुछ कर रहे हैं। क्या भगवान अगर इनके लिए कुछ नहीं थे तो ये वहाँ पे वहाँ के जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वही क्यों गए वहाँ पे? जब आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय शोक दो दिन का हो सकता है तो पूरे इंडिया में क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल, और जब पोप के लिए हो सकता है तो साई के लिए नहीं क्यों हो सकता है? पोप क्या बहुत बड़ी चीज है? जिस साई ने हजारों गाँव में पानी पहुँचवाया, जिस साई ने सब कुछ कराया, उस साई के लिए कुछ नहीं है? बिल्कुल, धन्यवाद गीता जी। ठीक, आप भी अपनी बात रख सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एक और कॉलर को भी मौका देते हैं अपनी बात को रखने का। नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ, मैं चाहता हूँ कि सत्य साई बाबा का सत्य साई बाबा के शोक पे राष्ट्रीय शोक मनाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अब तो ये बात गुजर गई। अब कम से कम ये नहीं हो सकता कि वो शोक लगाया घोषित किया जाए, लेकिन सरकार अपने तरफ से खुलासा कर सकती है, माफी मांग सकती है। धन्यवाद। सत्य साई बाबा से जुड़ा हुआ कि सत्य साई बाबा की मृत्यु पर सरकार ने जो राष्ट्रीय शोक घोषित करना चाहिए था वो क्यों नहीं किया? अगर किसी और धार्मिक शख्सियत के लिए नहीं करते तो चल जाता, लेकिन अगर किसी के लिए किया है तो साई बाबा के लिए क्यों नहीं? ऐसे बाबा के करोड़ों भक्त 100 से ज्यादा देशों से सवाल पूछ रहे, और खास करके भारत से जुड़े हुए भक्तों को ये सवाल पूछने का पूरा हक है और सवाल पूछा जा रहा है। एक और कॉलर अपनी बात रखते हैं। हेलो। हेलो, हाँ नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि इनको मतलब जितनी भी मतलब हमारी केंद्र सरकार है, इनको घोटालों से फुर्सत नहीं है कि ये मतलब ये बात पे सोच भी सके। इनमें इनकी नीयत इतनी खराब हो चुकी है, इन बातों में नहीं सोच सकते। अभी कहीं मतलब झगड़ा हो जाए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, वोट बैंक बनाने को बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो जाए कुछ भी हो जाए बिल्कुल तैयार वहां पहुंचेंगे, परंतु इस बात में इनकी सोच बिल्कुल एकदम खराब है, सोच ही नहीं इन लोगों की। लेकिन आपको क्या लगता है कि फिर भी ये इतनी बड़ी गलती का अब क्या होना चाहिए? अब ये इन लोगों को इनको सोच इतने मतलब गिर जाना चाहिए, मतलब मैं कह रहा हूँ कि उनको मतलब इतनी पश्चाताप करना चाहिए इस बात का कि इनको फिर भी करना चाहिए, ये राष्ट्रीय मतलब और करनी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। अब हम यहाँ पर नजर डालते हैं परिणामों पर कि क्या परिणाम हो सकते हैं ऐसे गलतियों के, क्योंकि ये गलतियां ऐतिहासिक साबित होती है। सत्य साई बाबा जैसे सामाजिक कार्य करने वाले लोगों में ऐसे निर्णय करने की प्रेरणा मिलती, ऐसे सामाजिक कार्य को बढ़ावा मिलता, स्वाभाविक ही समाज को ही इसका फायदा होता। सत्य साई के विचारों का और अधिक प्रचार होता, बाबा के विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचते, बाबा की दिखाई राह पर चलने वालों की संख्या बढ़ती। सत्य साई बाबा के सामाजिक कार्यों से देश की संस्कृति को बचाए रखने वाले भक्तों को बढ़ावा मिलता, देश में लोग कुसंस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, बाबा के विचारों से इनमें कमी आती, साईं बाबा के सुकर्मों से भारतीयता बनाए रखने में मदद मिलती। अच्छे परिणाम, बुरे परिणाम, कई परिणाम होंगे, लेकिन अगर इस बार ये इतने बड़े संत के लिए नहीं हुआ है तो बाकी लोगों के लिए क्या होगा? और जब नहीं होगा तो जिनके लिए हुआ है वो भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण है, इसका ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार होगा जिसका गलत उपयोग लिया जा सकता है। इसलिए इस गलती के ऊपर अब कुछ होना जरूरी है। क्या हो, हम उपाय की तरफ भी जाएंगे, लेकिन परिणाम और इन चीजों के पीछे के विषयों पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एक और कॉलर को यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए मौका देते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, जो आपने बोला कि पोप के लिए राष्ट्रीय शोक है तो सत्य साई के लिए क्यों नहीं? हाँ, तो पोप तो भाई वहाँ क्रिश्चियन का एक ही है, लेकिन अगर हमारे इंडिया में जो है ऐसे पोप का ही है, हिंदुओं का अलग होगा, मुस्लिम का अलग होगा, तो ऐसे अगर इतने अपना राष्ट्रीय शोक करेंगे तो कितना नुकसान होगा, बच्चों का कितना नुकसान होगा, स्कूल का नहीं तो ऐसा है ना, तो फिर उनके लिए भी करने की आवश्यकता क्या है, ये सवाल पूछ रहे लोग। नहीं, मेरे कहने का मतलब उनका तो एक है, चलो मान लिए, जहाँ तो कितने गुरु है, हमारे धर्म गुरु कितने हैं, उनका तो एक ही धर्म गुरु है,
तो उनका चल सकता है, लेकिन हमारा जो है, हमारे कितने धर्मगुरु है, क्योंकि कई कास्ते हैं, कई हिंद, कई हमारे जो रिलीजन है इसमें इंडिया में, तो उसमें क्या है कि सबके लिए नहीं हो सकता। तो चलो कोई बात नहीं, अगर भावना सबकी अपनी अपनी हो, अपने मन में रखो, कोई जरूरी नहीं कि राष्ट्रीय शो करके हम उसको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। मतलब आप इसको सही ठहराते हैं? मैं बिल्कुल सही ठहरता, शोक वो ऐसे जो है शोक दिखावे के लिए शोक नहीं होना चाहिए, मन से शोक होना चाहिए। धन्यवाद। आप इस कॉलर के विषय पर भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, इन्होंने जो बात कही इस विषय पर आपकी क्या राय है। एक और कॉलर, नमस्कार। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहना चाह रहा था। हाँ थोड़ी ऊंची आवाज में बोलिए। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ बोलिए। प्रमोद बोल रहा हूँ जी, गाजियाबाद से। बोलिए प्रमोद जी। नमस्कार सर। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी को मनाने के लिए सत्य साई बाबा के लिए, हाँ, तो ये सब खाली दुनिया को खाने के लिए जाते हैं और हर देश से खाली हृदय से किसी को मानते नहीं है। मतलब ये तो भी दिखावा है ऐसा आप मानते हैं? हाँ, पब्लिक की नजर में खाली ये करने के लिए कि हम वहाँ पे गए हैं और वोट वोट मांगने के लिए खाली इस तरह से वोट मांगते हैं आदि, और किसी को मतलब ये नहीं कि श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं, आत्मा इनकी भूखी है, ये खाली वोट के भूखे हैं और खाली वोट मांगते हैं बस। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं, उनको भी अपनी राय रखने के लिए यहाँ पर। हेलो, नमस्कार। हेलो, हाँ जी सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, हम आपका प्रोग्राम देख रहे हैं सुदर्शन चैनल पे सर, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। तो हाँ जी, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि बाबा के बारे में जो आप बता रहे हो। हाँ हाँ जी, वो तो एक भगवान है सर, और कई भगवान उट पटांग बोल रहे हैं फालतू, तो ये हमें बिल्कुल अच्छा लगा। हम सोच रहे हैं कि हाँ जी, हेलो। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ जी, तो हम सोच रहे हैं सभी चैनल वालों को माफी मांग लीजिए बाबा के बारे में। बिल्कुल, मतलब जिन्होंने उल्ट पुल्ट बोला बाबा के बारे में, वो तो साक्षात भगवान है, जिन्होंने कैंसर के मरीजों को मतलब उठा दिया, पोलियो की टांगों को, छोटी छोटी टांगों को बिल्कुल दौड़ा दिया। तो बिल्कुल, मतलब ऐसे जो चैनल है उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, जो जिन्होंने बाबा के बारे में गलत इमेज निर्माण करने के षड्यंत्र का हिस्सा बनने का काम किया। चांदनी जी अपनी बात को रख रही थी। एक और कॉलर, हेलो। चलिए अब अगले कॉलर से बात करने के पहले एमएमएस दिखाते हैं आपको कि एमएमएस में हमारे एक दर्शक ने क्या प्रतिक्रिया भेजी। सरकार ने पोप बेनेडिक्ट के लिए तो 3 दिन का शोक घोषित किया, लेकिन सरकार सत्य साईं बाबा के लिए 1 दिन का शोक घोषित करने की भी इच्छा नहीं जाहिर की। और देखना हमारे वहाँ इतने इतने बड़े लोग देश के वहाँ जाके उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे, लेकिन सरकार 1 दिन का भी शोक घोषित करके श्रद्धांजलि देने की कोशिश नहीं की।